सैलरी आती है, अच्छा बड़ा लगता है, बट उसके बाद शुरू होता है गिल्ट। या कहीं इन्वेस्ट कर दें, कुछ कर दें, आपको पता है जरूरी है, बट टाइम आपके पास है नहीं, तो फिर यहीं किसी से पूछ पाछ के रैंडम कहीं भी पैसे डाल दिए। वेल, आज वो सब खत्म हो रहा है, बिकॉज ये है आपका अल्टीमेट गाइड ऑन हाउ टू इन्वेस्ट योर सैलरी। मैं हर एक बकेट को लेने वाला हूँ, हर एक चीज करने वाला हूँ, आपको डाउनलोडेबल्स देने वाला हूँ, आपको ये भी बताने वाला हूँ क्या खरीदना चाहिए, कौन सा फंड, क्या क्या। इस पूरी वीडियो के बाद ना आपके पास एक बहाना नहीं बचने वाला, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। जो आपका गिल्ट है ना अंदर सेविंग का, वो तो आज मैं खत्म कर दूंगा फॉर श्योर। चलो अब सीधा का सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है स्टार्टिंग अर्ली। क्यों? कंपाउंडिंग। जितना टाइम तक आप गेम में रहोगे उतना ही कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाओगे, एंड कंपाउंडिंग इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिच एंड मिडिल क्लास। आप ये बहुत बार सुन चुके हो, बट आज मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं कि इस कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या हो। मानते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं, सुरेश और मंगेश, ठीक है, दोनों को चाहिए 4 करोड़ एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, एंड दोनों 60 ईयर्स की एज पे रिटायर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, 4 करोड़ चाहिए, परफेक्ट है। अब सुरेश ने शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 25, मंगेश ने शुरू किया एट द एज ऑफ 40। क्यों? मंगेश को लगा कि यार पहले ये हो जाए, ये सेट हो जाए, पहले ज्यादा कमा लूं फिर ये कर लूं। भाई साहब, उन्होंने 40 की एज में शुरू किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सुरेश के पास है 35 ईयर्स जब तक वो इन्वेस्ट करता है, मंगेश के पास है सिर्फ 20 साल। मानते हैं दोनों एक डिसेंट म्यूचुअल फंड में करते हैं जो उनको 12% रिटर्न CAGR तो दे ही देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अब सुरेश को हर महीने डालने हैं 6,000, मंगेश को हर महीने डालने हैं 40,000, दोनों को 4-4 करोड़ मिल जाएंगे। अब अगर डिफरेंस क्या है, सुरेश ने सिर्फ 25 लाख डाले, मंगेश ने 96 लाख डाले। तो जो आप अपने को बहाने दे रहे हो कि मेरे पास ये रेडी नहीं है, वो हो जाए फिर ठीक करूंगा, फिर इन्वेस्ट करूंगा, इन बहानों को साइड रख दो, बिकॉज ये बहाने आपको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। और अगर आप उन लोगों में से जो बोलेगा हर्ष बट मेरे पास इतने पैसे बचते ही नहीं है, तो सर आपके लिए भी सोल्यूशन है, दैट यू कैन स्टार्ट स्मॉल। अगर आप सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू करोगे ना, और वही 12% की रिटर्न में सोच रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएगी, 30 साल बाद आपके पास 17 लाख रुपए होंगे। सिर्फ डालना कितना है, 500 रुपए। तो अपने आप को ये बेफालतू के बहाने देना बंद करो। इसके बाद पॉइंट आता है कि आपको अपने खर्चे ना फिंगर टिप्स में पता होना चाहिए। खुद सोचो, गुजराती, बनिए, मालवाड़ी, इनका चाहे जितना भी मजाक उड़ा ले, बट ये सब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनका को रीजन है, इनको खर्चे बचपन से हैंडल करना सिखाया जाता है। मैं खुद बनिया हूँ यार, और ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये एडवांटेज मुझ में है जो दूसरों में नहीं है, बट अगर आप में नहीं है तो ये हैबिट डेवलप की जा सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज आप खुद देखोगे नॉर्मल खर्चों में, एक बार आप स्विगी का बिल देख लेना, आपको कितना बिल आया, जोमेटो में कितना बिल आया, अमेजोन में कितना खर्चा हुआ है, यू विल बी शॉक टू सी कितने पैसे निकल जाते हैं। अब जब मैं खर्चे मेंटेन करने की बात करता हूँ, लोग क्या करते हैं, वो अच्छा 10 रुपये मैं रिक्शा से गया, अच्छा फिर 50 रुपये का ये खर्चा हुआ, 60 रुपये का मैंने खरीदा। इन खर्चों की लिस्ट का कुछ नहीं होने वाला। वाय? आप 1-2 दिन करोगे, उसके बाद नहीं करने वाले। वो जो पर्चे होंगे ना, आप डेटा एनालाइज कर पाओगे ना, अपने खर्चे देख पाओगे, कुछ भी फायदा नहीं है। इसके लिए मैं आपको पूरा एक टूल दे रहा हूँ, गोला एक्सपेंस मैनेजर द जेम शीट। इस टूल को लिंक नीचे है, डाउनलोड कर लेना, ये आपको पूरा हेल्प करेगा। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली ये टूल है क्या। तो ये है आपका गोला एक्सपेंस मैनेजर शीट। यहाँ पे आएंगे, आप करोगे सेकंड टैब पे क्लिक। अब आप देखेंगे मैंने इसमें आपकी हर नीड का ख्याल रखा हुआ है। इनकम आ जाएगा ऑफ योर एंड योर पार्टनर, अगर आपका पार्टनर नहीं है आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद आ जाएगा रेंटल इनकम, आपको कुछ मिल रही है, कुछ आपको इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है, कुछ FD है जैसे आपको हर साल कुछ पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्स ब्रैकेट आप खुद भर लेना, क्यों, बिकॉज हर आदमी की टैक्स कैटेगरी बहुत डिफरेंट होती है, इसलिए मैं उसको यहाँ भरा नहीं है, आप उसको भर देना, एंड सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद सीधा आप जाओगे एक्सपेंस एनालाइजर में। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ये नहीं चाहता कि आप 10-20 रुपए का खर्चों का हिसाब रखो। डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश, हमें सड़क में जाके नेगोशिएट नहीं करना है, हमें क्या करना है, मोटे पैसे बचाने हैं, दैट इज व्हाट वी आर एम फॉर। सड़क में अगर 20-30 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपके सारे मेजर हाउस होल्ड आ जाएंगे, रेंट, हाउस होल्ड, स्टेबल्स, मेड, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, केबल, कार पेट्रोल, कैब्स, कार वॉश, ईट आउट, डॉक्टर फीस, अगर आप पेरेंट्स को कुछ पैसे दे रहे हो, EMI, पर्सनल लोन EMI, हर एक चीज़ पार्टनर 1, पार्टनर 2 सबका सेपरेटली कर रखा है। और जैसे ही आप भरोगे ना, आपको पूरा ये अपना एक्सपेंस का ट्रैकर मिल जाएगा कि आपका क्या खर्चा किधर हो रहा है, सो दैट आप खुद देख पाओ एट योर मंथ्स एंड कि वॉट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। सो दिस इज द जेम शीट, लिंक इसका बायो में। ये तीनों चीज़ समझ आ गई ना। अब बात आती है आप अपनी सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। बेसिकली 5 बाल्टियां आपके सामने होंगी, हर बाल्टी में आपको पैसे डालने हैं। सबसे पहली बाल्टी है ऑफ नेसेसिटीज।
इसमें आप डालोगे अपनी सैलरी का 55%। उसके बाद आता है वेल्थ, वेल्थ जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप डालोगे 15%। उसके बाद बाल्टी आती है LTSS, लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग स्कीम, कुछ आपको महंगा खरीदना है उसकी आपकी बाल्टी है 15% की। उसके बाद आएगा एडुकेशन जिसमें आपको 10% डालना है, और उसके बाद जो फाइनल बाल्टी सबसे इंपॉर्टेंट है वो आएगा चैरिटी जिसमें आपको 5% डालना है। ये आपका पैसे का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जैसे ही सैलरी है ना उसके 2 घंटे बाद ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। अब एक एक बाल्टी को अच्छे समझते हैं। सबसे पहली बाल्टी आती है नीड्स की जिसमें आप डालोगे 55% ऑफ योर सैलरी। अब नीड्स में क्या आता है, बेसिकली आपके सारे बेसिक खर्चे, आपके घर का रेंट या आपको टैक्स देना है, प्रॉपर्टी टैक्स देना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी का पैसा, पेट्रोल का पैसा, बाइक मेंटेनेंस का पैसा, उसके बाद हेल्थ केयर आ जाएगा, आपने इंश्योरेंस दे रखा है, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाएगी, फिर बिजली, पानी, सब्सक्रिप्शन, केबल, रेस्टोरेंट्स, नेटफ्लिक्स, मूवीज, बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई, हर एक चीज़ शुड बी इन 55%। अब 55% ना ये बड़ी ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, तो अगर आप और आपके पार्टनर हो और आपका 55% के अंडर खर्चा हो रहा है देन इट्स परफेक्ट। अगर नहीं हो रहा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको 5-6% से ऊपर खींच सकते हो, मेक इट योर ओन सिस्टम। बट 5-6% से ज़्यादा खींचना एडवाइजेबल नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर ये सिचुएशन हो रही है कि आपके नीड्स पूरे नहीं हो पा रही है, देन यू नो व्हाट टू डू, यू नीड टू रिड्यूस योर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस ड्रास्टिकली। हाँ अभी मुझे गाली देने का मन करेगा, गुस्सा भी बहुत आएगा, बट लॉन्ग टर्म में यू विल थैंक मी फॉर दिस। सेकेंड बाल्टी आती है ऑफ वेल्थ। अब वेल्थ में आप 15% पार्क करोगे। वेल्थ क्या है, वेल्थ वो पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट करके भूल जाओगे, वेल्थ आपकी रिटायरमेंट है, वेल्थ आपको अलाउ करेगा टू रिटायर। सिंपल लॉजिक समझा रहा हूँ, ये है अभी आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, ये है आपकी वेल्थ, वेल्थ नीचे है, सो यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस सैलरी। बट होगा क्या, विद टाइम कंपाउंडिंग से ये ऊपर ऊपर जाता रहेगा और सैलरी का सैलरी आपकी वो शायद वही रहेगी, शायद बढ़ भी रही होगी, बट तभी भी वेल्थ इतनी ड्रास्टिकली बढ़ेगी, इतनी ड्रास्टिकली बढ़ेगी कि सैलरी वुड बी लाइक पीनट्स यू। आपको जॉब करना है नहीं करना है, इट्स टोटली अप टू यू, एंड दैट इज अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसलिए वेल्थ में पैसा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब 15% डालोगे कहाँ डालें, सबसे पहला आंसर आएगा ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज हाँ अच्छी रिटर्न देती हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, बट उससे भी बेटर मेरे हिसाब से इंडेक्स। वेन आई से इंडेक्स आई मीन आप सेंसेक्स को खरीद लो, आप निफ्टी को खरीद लो, बिकॉज अगर सेंसेक्स खत्म हो गया, निफ्टी खत्म हो गई ना, तो पूरा देश ही खत्म हो गया, बिकॉज देश की सारी बड़ी बड़ी कंपनी खत्म हो गई है, तो नौकरी वो तो आपकी पक्का जाएगी जाएगी। तो ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट्स है अकॉर्डिंग टू मी। अब आपको उसमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करना है, दीज आर द म्यूचुअल फंड्स दैट यू कैन गो फॉर। SGFC इंडेक्स सेंसेक्स बैंड, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.20 लीस्ट है। देन ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग एरर वो होता है कि सेंसेक्स में और इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न में कितना डिफरेंस है, ये सबसे कम है 0.06, रिटर्न्स 13.47, फिर SGFC इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान, देन UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, उसके बाद निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड। ये सब मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, अब कोई बहाना नहीं चाहिए कि आपको पता नहीं क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, मैं आपके लिए ये भी स्टडी करके दे रहा हूँ। बाय द वे अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो और अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बचाना होता है ना, तो आप ELSS म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेक श्योर आपका ELSS म्यूचुअल फंड भी इंडेक्स का ही हो सो दैट आपको रिटर्न उतनी ही मिले, आपका टैक्स भी सेव हो जाएगा, रिटर्न भी बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंडेक्स ETF। पर्सनली मैं खुद इंडेक्स ETF ही प्रेफर करता हूँ। व्हाई, एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, दूसरा इट इज़ मच ईजियर, यू कैन बाय एंड सेल देम लाइक शेयर्स, राइट। बट इसमें यू नीड दैट डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप हर महीने पैसे नहीं डालोगे, तो एक काम करो म्यूचुअल फंड में ही चले जाओ। अगर डिसिप्लिन है यू कैन गो विद इंडेक्स ETFs। विच अदर टू इंडेक्स ETFs, सबसे पहला SGX सेंसेक्स ETF, ट्रैकिंग एरर है, एक्सपेंस रेशियो है, सब कुछ आपको दिख रहा है, उसके बाद निपॉन इंडिया निफ्टी 50 20, ये भी आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, बहाने नहीं चाहिए। बाय द वे ये जो आपकी रिटर्न्स है ना, दे कैन इंक्रीज अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीख लो, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, नॉट जस्ट बाय रैंडम वीडियोज बट बाय अ प्रॉपर प्लान। इसके लिए आई हाईली रिकमेंड मेरा एक स्टॉक मार्केट कोर्स है, इट्स अ कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम, सो मच सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट मेरी टीम को आपको बस एक मेल करना है, विद इन 3 आवर्स आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, यू डोंट नीड टू वेट फॉर अ यूट्यूबर टू मेक अ वीडियो ऑन इट, पर्सनल तरीके से हेल्प करेंगे। एंड इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी शेड्यूल कॉल विद मी, वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। सो इफ यू वॉन्ट गो फॉर दैट प्रोग्राम, या तो वेबसाइट में देख लेना, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड बाल्टी आती है ऑफ LTSS। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग स्कीम।
अब जब आपके कुछ बड़े खर्चे हैं, कुछ तो सपने होंगे ना, उन सब सपनों को पूरा करना है हमें, ठीक है, हो सकता है कुछ बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या महंगा फ़ोन खरीदना है, या महंगा घर खरीदना है, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए, एडुकेशन के लिए, शादियों के लिए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसके लिए आप पैसे जोड़ रहे हो, मुझे पता है आप जोड़ रहे हो। अब स्मार्ट चीज़ ये है, उस पैसे को इन्वेस्ट करो सो दैट आपको उसमें अच्छा इंटरेस्ट भी मिले, ठीक। अब जब आप ये डिसाइड करते हो ना, दो चीज़ आपको देखनी है। सबसे पहला, कितने टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम जहां आप इन्वेस्ट करोगे वो चेंज हो जाएगा। और चिंता मत करो, आपको हर टाइम फ्रेम का बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। सेकंड जो आपको देखोगे, रिस्क, आप उस पैसे में कितना रिस्क लेना चाहते हो। जैसे अगर आपको यूरोप में छुट्टी के लिए पैसे हैं तो हो सकता है आप उसमें रिस्क ले लो, पैसे में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहो। बट अगर आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे हैं तो शायद आप उसमें रिस्क ना लेना चाहो। सो दैट यू नीड टू डिसाइड कि आपके लिए वो पैसा आपको कितने टाइम पे वापस ही होगा और उसमें आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो। अकॉर्डिंग टू दैट यू डिसाइड, बट ऑप्शन तो सारे मैं आपको दे दूंगा, आपका काम जितना ईजियर हो पाए ना मैं ईजी करूंगा। तो सबसे पहले, अगर आपका टाइम 1-1.5 साल से कम है और 1-1.5 साल से कम में ही आपको पैसे चाहिए, इसका मतलब ज़्यादा रिस्क लेने का सेंस बनता ही नहीं है, तो आप सेफ ऑप्शन जाओगे, दैट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक खराब चीज़ नहीं होती है, ये सबकी स्पेसिफिक नीड होती है। और फिक्स डिपॉजिट भी आप नॉर्मल बैंक्स में नहीं करोगे, आप थोड़े छोटे बैंक्स में जाइए, वहाँ आपको मच बेटर FD पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ये हैं सारे बैंक्स। हाँ, ये बैंक्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों देते हैं, बिकॉज इनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है कंपेयर टू SBI, SGFC, ICICI, मैं मानता हूँ। बट अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए कर रहे हो, आपका इन्वेस्टिंग पीरियड छोटा है, पुटिंग योर मनी हियर इन FDs इज अ स्मार्ट चॉइस। अब अगर आपका टाइम फ्रेम 1.5 साल से 3 साल के बीच में, आपका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गो फॉर अ डेट फंड। इसमें भी आइडली आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। डेट फंड्स क्या होते हैं? बेसिकली डेट एक टाइप का लोन होता है। अब सपोज कोई कंपनी है ICICI बैंक ने अपने बॉन्ड्स इशू किए। बॉन्ड्स में बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, सर आप मुझे 100 रुपये दीजिए, हर साल मैं आपको 7% देता रहूँगा। सिंपल, इसको बोलते हैं डेट सिक्योरिटीज़, जिसमें आपको पता है कि आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये सिक्योरिटीज़ ना आप बाद में सेकेंडरी मार्केट में बेच भी सकते हो। बट उस कॉम्प्लिकेशन में अभी जा नहीं रहा हूँ। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, डेट फंड भी आप चूज करोगे ना तो डेट अच्छी जगह से होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट से डेट ले रखा है इट्स गुड, क्योंकि पता है कि गवर्नमेंट तो पे ऑफ कर ही देगी विद टाइम। बट अगर वही चीज़ कंपनी ने डेट सपोज पेटीएम जैसी कंपनी से ले रखा है और पेटीएम बैंकक्रप्ट होगी तो आपका डेट का पैसा भी डूब सकता है। सो यू नीड टू बी स्मार्ट अबाउट दैट। बट क्यों टेंशन ले रहे हो, अच्छे डेट फंड्स वो भी आपको मैं ही बताने वाला हूँ। ये है दो डेट फंड्स दैट वी रेकमेंड। सबसे पहला ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म डेट फंड। वैल्यू रिसर्च ने इसको रेटिंग दी है 5। इनकी रिटर्न सिंस इंसेप्शन है 8.6। एक्सपेंस रेशियो है 0.37। दूसरा है एक्सिस शॉर्ट टर्म डेट फंड। वैल्यू रेटिंग 5 है। रिटर्न सिंस इंसेप्शन है 8.21%। बट एक चीज जरूर याद रखना, डेट फंड सिर्फ रिटर्न देख के मत उठा लेना। व्हाई? बिकॉज बहुत बार फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, वो बहुत रिस्की कंपनीज का डेट खरीद लेंगे सो दैट रिटर्न आ दिया है, राइट? और हम वही देख के खरीद लेते हैं। बट यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। आप देखना डेट में गवर्नमेंट डेट कितना है, वो ही सेफेस्ट रहता है, और मैंने जो आपको बताया वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल तक का है तो मैं आपको बोलूंगा यार देखो, अब थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, बट इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ये पैसे आपको चाहिए, आपके ड्रीम्स पूरे होने चाहिए, राइट? इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ गो फॉर अ हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या होता है? बेसिकली उसमें डेट भी होता है और इक्विटी भी होती है। इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है, डेट में सेफ्टी ज़्यादा होती है। डेट में रिटर्न कम है तो इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा है, तो आपको बैलेंस ऑफ मिल जाता है, विच इज़ अ गुड ऑप्शन टू हैव। इसमें जो दो फंड आपको रेकमेंड करूंगा, ICICI प्रू रेगुलर सेविंग्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड कोटक डेट हाइब्रिड फंड। बट अगर आप बोलोगे हर्ष यार 3 साल के ऊपर मैं ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड ये पैसा LTSS का है, आपके सपने पूरे होने चाहिए, तो ज़्यादा रिस्क लेने का सेंस नहीं बनता है। बट अगर तभी भी लेना चाहते हो तो मैं आपको वो लार्ज कैप फंड्स एडवाइस करूंगा जिन लार्ज कैप फंड्स ने सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया, तो वो है कनेरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। सेकेंड है एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड। डिटेल्स सब आपके सामने है। और फाइनली आप बोलोगे गोयला मैं तो सर 5 साल के ऊपर इन्वेस्ट करने रेडी हूँ, आप बस मुझे बता दो कि 5 साल के ऊपर कहाँ पैसा LTSS का डालना है। तो मैं आपको बोलूँगा तो डेफिनेटली आप रिस्क ले सकते हो। सबसे पहला मिड कैप फंड्स, ये दो हैं जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। अगर और भी रिस्क लेना है तो ये है स्मॉल कैप फंड्स, जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। या ऑनेस्टली ना, इस कंटेंट को बनाना आसान नहीं होता। वी हैव टू मेक श्योर कि आपकी हर एक नीड को हम टैप करें, आपको बताएं क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, किस किस टाइम फ्रेम के लिए, सो दैट आपको कोई डाउट ना पड़े और एक वीडियो में आपको सब पता चल जाए। तो आपकी ग्रोथ तो मेरे हाथों में, और हम उसका बेस्ट कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट यू ग्रो एक्सपोनेंशियली, बट मेरी ग्रोथ भी आपके हाथों में ही है। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन और कमेंट में लिख देना हर्ष मजे आ गए। अब आते हैं हम फोर्थ बाल्टी में, द फोर्थ बकेट, विच इज द एडुकेशन बकेट। इसमें आपको कितना फंड्स पार्क करना है? 10%। अब व्हाट डू आई मीन बाय एडुकेशन?
एजुकेशन का मतलब है दैट यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ सो दैट आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। अब अगर आप सैलरी पे हो, आप नॉर्मल काम कर रहे हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, सब मिल रहा है, आप एक नॉर्मल ग्रोथ रेट प्रोजेक्टरी में ग्रो करोगे। बट अगर आप अपने आप को अपस्किल करो, एजुकेट करो इन द लाइन दैट यू आर गेटिंग एजुकेटेड इन, मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन MBA और इन सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ उस स्पेसिफिक चीज़ में अपने आपको अपस्किल करते जाओ, एक्सपोजर बढ़ाओ अपना, तो होगा क्या, आपकी जो सैलरी होगी ना ये नॉर्मल प्रोजेक्टरी में नहीं एक्सपोनेंशियल प्रोजेक्टरी में बढ़ेगी, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी। तो 10% जो भी हो, टेक ऑनलाइन कोर्सेज, गो फॉर वेबिनार्स, जस्ट अपस्किल एंड अपस्केल योरसेल्फ। और अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अपने आपको अपस्किल करना चाहते हो, आई हाईली रिकमेंड गो फॉर अ स्टॉक मार्केट मेंटरशिप प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम नहीं जहाँ पे आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस देके काम खत्म, ना सर, यहाँ पे देयर इज एंटायर टीम टू सपोर्ट एंड असिस्ट यू। जो भी प्रॉब्लम है पूछ, उनके सिस्ट मिलेगा, यू कैन गेट अ कॉल शेड्यूल मी, यू कैन गेट अ कॉल शेड्यूल आदित्य, यू हैव एंटायर कम्युनिटी टू सपोर्ट यू, यू हैव लाइव सेशंस। बेसिकली आफ्टर दिस प्रोग्राम ना, इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आपको देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना वेबसाइट में भी देख सकते हो। और लास्ट बकेट जो आता है वो है चैरिटी का, 5%। अब देखो यार, 5% से आप अमीर गरीब नहीं वाले, बट 5% से किसी और की जिंदगी बच सकती है। और मैं इस एंगल से नहीं बोल रहा हूँ कि अरे चैरिटी करके तो महान आत्मा बन जाओगे, वो आपको नहीं करना, मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ, डू चैरिटी फॉर सेल्फिश रीजंस, बिकॉज व्हेन यू डू चैरिटी नो एंड अनोनिमिटी में, सबको यहाँ पे गाने गाने की जरूरत नहीं है, अनोनिमिटी में करोगे ना, सबसे पहला आपका खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक जो लाइफ में हैप्पीनेस फैक्टर है आपको वो मिलेगा, बी सेल्फिश अबाउट इट, एंड आपको एनर्जीज मिलती है विच हेल्प यू। अब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस कि चैरिटी करने से आपको और पैसा मिलेगा, ये होगा, और इसे टेंशन से करना भी नहीं चाहिए, बट एनर्जीज होती हैं दैट गिव यू अपॉर्चुनिटीज़। ये मैंने आदित्य ने पर्सनली फेस कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग चैरिटी। 5% का चैरिटी का रूल बांध लो, दिस इज वन रूल जो मैं आदित्य इस पर कभी नेगोशिएट करते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्त, ये है आपके सारे बकेट्स, इतना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह आपको सब बता चुका हूं, जो मैं एडवाइस करते हैं कमेंट में लिख देना। हर्ष, मजे आ गए, अगर वीडियो अच्छी लगी, दिस इज गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।